Chapter name of the chapter is working of institutions. Institutions means organ, clear? And we can divide the organs into three parts. L for legislature. E for executive. J for judiciary. First of all, we will start. Legislature means law making. Legislature का मतलब होता है बेटा law making process. It means we will discuss about the body that make laws for our country. So parliament is the supreme law making body of our country. Parliament is the legislature. तो लेजिस्लेचर में एक हमें करना है पार्लियामेंट, यानी कि हमेशा याद रखना पार्लियामेंट. जब भी हम लेजिस्लेचर के बारे में पावर्स एंड फंक्शंस करते हैं तो सबसे पहले लेजिस्लेचर में हम क्या पढ़ते हैं. लेजिस्लेचर मींस वहां पे लिख लो ब्रैकेट में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट. क्लियर? लेजिस्लेचर में हमने किसकी पावर्स एंड फंक्शंस पढ़नी है? पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. पार्लियामेंट के टू हाउस है बेटा, लोकसभा एंड राज्यसभा. क्लियर? तो अभी मैं सिर्फ अभी आपको कॉम्पोजिशन बता रही हूँ कि पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा मेंबर्स ऑफ लोकसभा, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने होते हैं आपको सब पता है ना, 545. और राज्यसभा में कितने हैं? 250. इट मीन्स दीज आर कॉल्ड एमपीज. इनको क्या बोलते हैं बेटा? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है चाहे राज्यसभा का मेंबर है, दीज आर कॉल्ड एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो इनके इनके फंक्शंस क्या हैं वो हमने डिस्कस करना है. ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्टली हमने क्या पढ़ना है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं या राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या पावर्स हैं उनके पास, कौन कौन सी पावर्स वो यूज करते हैं. क्लियर? तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा में से जो लोकसभा है ये कौन सा हाउस है? डायरेक्ट हाउस. और राज्यसभा क्या है? इनडायरेक्ट हाउस. इसका मतलब क्या है? पीपल ऑफ इंडिया कैन डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बट पीपल ऑफ इंडिया कांट इलेक्ट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. हम इनको नहीं इलेक्ट कर सकते. इट मीन्स अगर हम इनको नहीं कर सकते तो कौन करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट? एमएलएस, जो स्टेट के एमएलएस होते हैं, दे कैन इलेक्ट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. इट मीन्स दिस हाउस इज मोर पॉपुलर. लोक यानी कि हाउस ऑफ पीपल, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. दिस हाउस इज मोर पॉपुलर, ये ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम इन एमपीज को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने इनको इलेक्ट करके भेजा है. So they are answerable to us. Clear? So अब now when we elect them, जब हम इनको elect कर देते हैं तो इनका काम क्या होता है? Their main function is to make laws. वो law बनाते हैं. लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से functions हैं जो ये perform करते हैं. तो उनको, इन सभी functions को हम अलग अलग categories में learn करेंगे और उसके according हमने इनको लिखना है point wise. Clear? तो सबसे पहले functions of parliament आपने हेडिंग वाइज इनको प्रॉपरली लिखना है लाइंस में. फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. क्लियर? सबसे पहले फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, जब भी आप फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट लिखोगे ना बच्चे, तो हमेशा याद रखना आपने जो आप हेडिंग दोगे ना उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्लेनेशन उसके अंदर सेम होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले पार्लियामेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? अब नाम से ही पता लगता है लेजिस्लेचर है, तो उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होगा? लेजिस्लेटिव पावर भी लिख सकते हो, यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर भी लिख सकते हो, फंक्शन भी लिख सकते हो. लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग.
लॉ मेकिंग पावर, यानी कि पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर क्या है। पार्लियामेंट, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो दोनों ही, चाहे वो लोकसभा के एमपीज हैं चाहे राज्यसभा के एमपीज हैं, वो कैसे लॉ बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आपने इसको हेडिंग हेडिंग के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन करना है, दैट एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट्स ये नहीं कि जो आपके हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जैसे रेलवे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इनके ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट मीन्स हम यहाँ पे कहेंगे जैसे पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट जो है, कुछ हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट जो है वो दी गई। हाँ जी, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा कुछ लिस्ट दी गई है, और पार्लियामेंट कौन सी लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है। वैसे तो फोर लिस्ट हैं, टोटल लिस्ट फोर हैं। सबसे पहले लिस्ट जो है वो याद रखो कौन कौन सी लिस्ट है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कौन कौन सी लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, नंबर टू कंकरेंट लिस्ट, नंबर थ्री स्टेट लिस्ट, नंबर फोर रेजिड्यूरी लिस्ट। क्लियर? हाँ जी बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग लिस्ट है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा, ये अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट। यूनियन का मतलब होता है सेंटर, यानी कि यूनियन मतलब सेंटर। इस लिस्ट में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस में कोई भी दो याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो, जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे हम कहते हैं ना, डिफेंस, इंडियन आर्मी, हम ये तो नहीं कहते पंजाब आर्मी या पंजाब रेलवे, हम इंडियन आर्मी कहते हैं। करंसी, जो पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट जो है वो किसका होगा, पार्लियामेंट। क्लियर? सेकेंड आ जाओ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लॉ बनाने का राइट दोनों ही गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। इसमें बेस्ट जो है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन आप देखो, आप एजुकेशन दो तरह की, सीबीएसई भी और पंजाब बोर्ड भी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अंदाजा लगाओ कि कंकरेंट लिस्ट का मतलब है एजुकेशन जो है वो इस लिस्ट में रखा गया है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनाने का राइट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। कुछ सब्जेक्ट सिर्फ स्टेट, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ स्टेट, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, हम कहते हैं पंजाब पुलिस, यानी कि हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस अलग है, गुजरात पुलिस अलग है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लॉ बनाने का राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट लॉ बना सकती है। देन रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी का मतलब होता है जो लेफ्ट, जो बच गए सब्जेक्ट। हमारी कंट्री का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनकी इंपॉर्टेंस बाद में फील हुई, जैसे कंप्यूटर, आईटी, सोशल मीडिया, साइबर लॉज, ये सारे लेटेस्ट हैं। तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं जिनको बाद में रेजिड्यूरी में ऐड किया गया, तो इनके ऊपर भी लॉ बनाने का राइट किसका है, पार्लियामेंट। कंकरेंट के ऊपर भी, तो किसके ऊपर पार्लियामेंट नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बना सकती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर, फर्स्ट पावर क्या आ गई, दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी लिस्ट। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है लॉ मेकिंग, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं। एमपीज कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी लिस्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी को एक्सप्लेन कर दो, these subjects are of national importance,
ठीक है, ये इसीलिए ये सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट का है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है। नेशनल इंपॉर्टेंस इसमें अगर देखा जाए तो डिफेंस, इसमें अगर देखा जाए तो एजुकेशन, पार्लियामेंट के पास भी राइट है, और इसमें अगर देखा जाए रेजिडरी का मतलब होता है जैसे आईटी सेक्टर है, सोशल मीडिया है, साइबर लॉज हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी इंपॉर्टेंस बाद में फील हुई उनको रेजिडरी में रखा गया। अब पार्लियामेंट किसके किसके किस लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बना सकती, वो आएगा स्टेट स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट हमारी है, फॉर एग्जाम्पल उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी हैं, ठीक है। तो अब लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले वो देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स लिए गए होंगे दे कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर इज पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअल लिस्ट। व्हाई नॉट इन स्टेट लिस्ट, क्योंकि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन या पावर भी हो गई, दैट लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग पावर। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन दीज थ्री लिस्ट and these subjects are of national importance, जिनकी importance पूरी country के लिए होती है, जैसे currency है, defense है, military है, ठीक है, foreign affairs है, transportation, communication, बहुत से subjects हैं जो जिनकी जरूरत पूरी country की safety and security के लिए होती है, clear, ठीक है, हाँ जी। Next is second, जो है second main important जो function है that is executive function। Executive function. बच्चे इसमें हमने क्या बताना है कि MPs जो हैं उनका control बताना, MP का control बताना है executive में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि executive कौन होते हैं। Executive मतलब Council of Ministers and Prime Minister. ठीक है, तो पार्लियामेंट यानी कि एमपीज जो हैं वो मिनिस्टर्स पे कंट्रोल कैसे करते हैं, ये हो गया उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हो गया लॉ मेकिंग, लॉ तो बना लिया लेकिन साथ ही लॉ बनाने के साथ साथ एमपीज जो हैं वो मिनिस्टर्स पे कंट्रोल भी करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, अब इसके लिए आपको सबसे पहले लोकसभा का सिनेरियो पता होना चाहिए। ये पूरी लोकसभा है, लोकसभा में सपोज यहाँ पे स्पीकर बैठे हैं, इस तरफ होगी ऑपोजिशन पार्टी और इस तरफ होगी रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन जो है वो भी एमपी हैं और ये भी एमपी हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है, ये ऑपोजिशन है लेकिन ये एमपी के साथ साथ मिनिस्टर्स भी हैं। ये ऑपोजिशन पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी। तो दे विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और इसके लिए क्वेश्चंस पूछने के लिए उनके पास प्रॉपर जो है वो एक उनको टाइम दिया जाता है, ठीक है, और इस टाइम को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आर। द टाइम इज गिवन क्वेश्चन आर, ठीक है। क्वेश्चन आर का मतलब क्या होता है, इसमें आपने क्या बताना है, दैट एग्जीक्यूटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, एमपीज कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फॉर दैट क्वेश्चन आर इज प्रोवाइडेड, उनको एक क्वेश्चन आर दिया जाता है जिसमें वो पर्टिकुलर यानी कि ऑपोजिशन कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में, अगर डिपार्टमेंट में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती। इसका मतलब क्या है कि एमपीज जो हैं वो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। एंड वी द पीपल वी कैन सी द लाइव टेलीकास्ट ऑफ देयर डिस्कशंस, हम उनके सेशंस की लाइव डिस्कशन देखते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ऑपोजिशन कैसे मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछती है और मिनिस्टर कैसे उनको आंसर देते हैं। बेटा ये आपने बहुत टाइम जो है वो मॉक पार्लियामेंट या यूथ पार्लियामेंट उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ होती है ऑपोजिशन पार्टी और एक तरफ होती है रूलिंग पार्टी, ठीक है, और सेंटर में होते हैं उनके स्पीकर।
एट प्रेजेंट कौन है स्पीकर हमारी कंट्री के? मिस्टर ओम बिरला, ठीक है। तो स्पीकर उनको परमिशन देते हैं बोलने की, और जिसमें ऑपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चनिंग करती है, उसके लिए उनको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आर। एक और जो है वो राइट है एमपीज के पास, क्या राइट है? मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट से रिमूव करने का राइट, ठीक है। इस राइट को क्या बोलते हैं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं इसको? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? दैट एमपीज कैन पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एनी मिनिस्टर। सपोज जब भी लोकसभा में कोई भी लाइव सेशन होता है, इसमें अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर या कोई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, सपोज हेल्थ मिनिस्टर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, रेलवे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऑपोजिशन विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर। वो तो मिनिस्टर को ही क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर ऑपोजिशन को ये लगता है कि रियल में मिनिस्टर जो है वो डिपार्टमेंट को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चनिंग पूछते हैं। लेकिन अगर मिनिस्टर्स उनको सेटिस्फाई ना कर पाए, तो फिर एमपीज क्या करते हैं? रेजोल्यूशन पास करते हैं वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अब एमपीज का उस पर्टिकुलर मिनिस्टर पे कोई भी फेथ नहीं रहा कि वो अपने डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पाएंगे। और ऐसे में क्या होता है फिर बेटा? सेशन में प्रॉपर वोटिंग करवाई जाती है, और उस वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी वोट से अगर सारे के सारे एमपी प्रपोजल पास कर देते हैं कि हाँ जी इन मिनिस्टर को इनकी पोस्ट से हटा दिया जाए, तो क्या होता है? मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? मिनिस्टर दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है। तो इसमें दो फंक्शन मेन याद रखो, एक तो हो गया क्वेश्चन आर, एक हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन आर में क्या होता है फिर से याद रखो, क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आर एमपीज दे कैन जगनूर अब बच्चे बार बार लेट आ रहे हैं, हाँ जी। इन द क्वेश्चन आर एमपीज कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एमपी जो है वो रेलवे मिनिस्टर से उनके डिपार्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से ले सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से ले सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर से ले सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर उनको ये लगता है कि ये जो मिनिस्टर है या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में अगर उनको लगता है कि ये जो मिनिस्टर हैं ये अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली संभाल नहीं सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो पूरे हाउस में फिर क्या करवाई जाती है? वोटिंग करवाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर 2/3 मेजोरिटी से उस मिनिस्टर के अगेंस्ट वोटिंग होती है, तो मिनिस्टर हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है। मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, वो एमपी तो रहेगा लेकिन मिनिस्टर नहीं रहेगा, क्लियर। उसकी जगह फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किसी और पर्सन, किसी और एमपी को वो मिनिस्टर बनाएंगे। वो एमपी रहेंगे लेकिन मिनिस्टर की पोस्ट उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर 2/3 मेजोरिटी से उस मिनिस्टर के अगेंस्ट वोटिंग नहीं होती है, अगर सपोज नहीं होता, तो वो मिनिस्टर रहेगी, क्लियर। इसका मतलब क्या है? ये एक पावर है। किसके पास पावर है? एमपीज के पास पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस एंड बाय पासिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम। दिस इज कॉल्ड देयर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्लियर। अब कोई भी अगर डाउट है रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क। पहले ये दोनों जो है वो फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट नेक्स्ट। रेज योर हैंड। रेज योर हैंड बेटा। आई हैव डिस्कस विद यू टू फंक्शंस। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। जब मैं कहती हूँ पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, इट मीन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज। एमपीज कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल रेलवे, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, करेंसी, बैंकिंग, ठीक है। ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द डिफरेंट लिस्ट। मैंने आपको बताया देर आर 4 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का राइट किसका है? पार्लियामेंट का है। कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाने का राइट दोनों का ही है, पार्लियामेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का ही। थर्ड इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का राइट जो है वो सीधा किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसको हम पार्लियामेंट में नहीं लिख सकते, ठीक है। देन लास्ट इज रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्लियामेंट की। तो हम इन तीनों लिस्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं दैट एमपीज कैन मेक लॉज ऑन द लिस्ट
गिवन ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द, अगर आपको रेजिड्यू नहीं भी याद रहता आप दो लिस्ट बता दो, सिंपल इतना याद रखो दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. फॉर एग्जाम्पल तीन चार सब्जेक्ट्स बता दो, तीन चार टॉपिक बता दो, कौन कौन से टॉपिक. आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कितने लॉज बनाती है रिगार्डिंग रेलवे, रिगार्डिंग बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ठीक है. तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इन इश्यूज के ऊपर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमपीज की इनडायरेक्टली पार्लियामेंट. क्लियर. सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव फंक्शन अब इसमें आप लिस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, इसका मतलब जो हेडिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपका हेडिंग आंसर आपका उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि एमपीज जो है वो मिनिस्टर्स के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कैसे कंट्रोल दिखाते हैं, क्या पावर है उनके पास. एक एमपी की पावर क्या है, एमपी कैसे मिनिस्टर के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल करेगा. मैंने आपको अभी बताया कि लोकसभा जो होती है लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी लोकसभा में एक तरफ होती है ऑपोजिशन एक तरफ होती है रूलिंग पार्टी. ऑपोजिशन भी एमपीज हैं और रूलिंग पार्टीज भी एमपीज हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी जो है रूलिंग पार्टी के कुछ एमपी मिनिस्टर्स बन जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर. तो जब ऐसा होता है तो सेशन में क्या होता है, जब भी इनका सेशन होता है, इस सेशन सेशन का मतलब मीटिंग्स, जब भी इनकी मीटिंग्स होती हैं तो ऑपोजिशन के पास एक प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है एमपीज के पास एक स्पेशल राइट है दैट दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग कंट्री एंड रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट, ठीक है. और ये जो पर्टिकुलर प्रिविलेज है इस प्रिविलेज को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है जिस टाइम पीरियड में एमपीज दे कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर. आप देखते भी होगे बेटा लाइव टेलीकास्ट होता है लोकसभा का जिसमें आप देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर जो है वो आंसर करते हैं. सपोज दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, या फिर उनके डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर एक कोई स्कैम्स हो जाते हैं या किसी भी तरह से एमपी या लोकसभा को ये लगता है कि जो मिनिस्टर्स हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड देयर डिपार्टमेंट. सपोज किसी पर्टिकुलर जो है वो एमपी को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है, ठीक है, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे में वो प्रपोजल पास कर सकते हैं कि इनके अगेंस्ट वोटिंग करवाई जाए. अगर वोटिंग 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिनिस्टर हैव टू रिजाइन. लेकिन अगर वोटिंग 2/3 मेजोरिटी से कम होगी तो मिनिस्टर जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे, वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे. लेकिन अगर वो रिजाइन करते हैं तो वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो एमपी जरूर रहेंगे, उनकी जगह कोई और मिनिस्टर बन जाए, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करेंगे, मिनिस्टर डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे, लेकिन वो पर्सन एमपी रहेगा. रेजिग्नेशन उन्होंने मिनिस्टर की पोस्ट से दिया है, वो एमपी रहेंगे. क्लियर. सो दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नंबर 1 लेजिस्लेचर फंक्शन, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव फंक्शन. क्लियर. एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि किस तरह से एमपी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपना कंट्रोल दिखा सकते. Clear? Any doubt, beta? हाँ जी दीक्षा. Yes, beta. मैम, I want to ask, जैसे किसी भी MLA ने, किसी भी MP ने MLA पे, यहाँ पे MLA की बात है. Listen, दीक्षा, यहाँ पे MLA किसी भी यहाँ पे MPs की बात हो रही है, हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे हैं. हाँ जी मैम, किसी भी एमपी ने किसी भी मिनिस्टर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लगा दिया, देन वो जो मिनिस्टर है वो एमपी रहेगा, मतलब कि वो भी क्वेश्चन आस्क कर सकता है और दूसरे मिनिस्टर से. हाँ जी, जब एमपी बन जाएंगे दे कैन आस्क. मैंने आपको ये बताया कि अगर मिनिस्टर दे हैव टू रिजाइन देयर पोस्ट, नाउ दे विल नॉट बी द मिनिस्टर्स, ठीक है, बट दे विल रिमेन एमपी एंड आफ्टर दैट दे कैन आस्क. क्लियर. It is clear? Okay, any other doubt? Any other doubt? No ma'am. Thank you. Any other doubt to anyone? Clear? Okay. अब आ जाइए बेटे थर्ड फंक्शन. थर्ड फंक्शन है ये किस किस को इलेक्ट कर सकते हैं. मैंने तो आपको बताया कि वो रिमूव कर सकते हैं, अब वो इलेक्ट किसको कर सकते हैं. इलेक्ट किसको कर सकते हैं, तो वो हो गया इनका इलेक्टोरल फंक्शन या इलेक्टोरल पावर.
इलेक्टोरल पावर भी कह सकते हैं, इलेक्टोरल फंक्शन भी कह सकते हैं। अब जब मैंने इनको इलेक्टोरल वर्ड, इलेक्टोरल का मतलब होता है कि एमपीज किस किस को इलेक्ट कर सकते हैं, एमपीज जो है वो किस किस को इलेक्ट करेंगे, तो ये उनकी हो गई इलेक्टोरल पावर। तो हम इसमें क्या बताएंगे, एमपीज कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर, ये होगी इनकी इलेक्टोरल पावर या इलेक्टोरल फंक्शन। आप क्या बताओगे इसमें, दैट एमपीज कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें से आपने अलग से बताना है कि जो लोकसभा के एमपीज, जो लोकसभा के एमपीज हैं, ये लोकसभा की अपनी पावर है कि लोकसभा के एमपीज जो हैं दे इलेक्ट देयर स्पीकर, वो अपना स्पीकर चुनते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, तो ये दो पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, नंबर वन, दोनों एमपी चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, नंबर वन। ठीक है, ये हो गया एमपी का, एमपी की पावर कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर टू, फिर हमने बताना है कि जो लोकसभा के एमपीज हैं, जब बच्चे ये मैं आपको पहले इसको समझो कि जब भी हमारी कंट्री में नई लोकसभा बनती है ना, नई लोकसभा बनने के बाद 545 मेंबर्स आ गए, ये 545 मेंबर्स अपने में से फिर अपना एक स्पीकर चुनते हैं। एट प्रेजेंट कौन है स्पीकर, मिस्टर ओम बिरला। ठीक है, स्पीकर कौन होता है, स्पीकर जो स्पीकर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा, प्रिजाइड ओवर करते हैं। आपने हमेशा जब भी देखा होगा, जब सपोज अगर आपने मॉक पार्लियामेंट या यूथ पार्लियामेंट या हमारी कंट्री की लोकसभा जब देखी होगी ना, हमेशा आप ध्यान से नोट करना, सामने आपको एक चेयर, मेन चेयर नजर आती है, एक तरफ होती है रूलिंग पार्टी, एक तरफ होती है अपोजिशन पार्टी। उस चेयर पे कौन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी एमपी हैं, लेकिन जब इलेक्शंस के बाद नई लोकसभा बनती है तो अपने में से वोटिंग करके एक स्पीकर चुनते हैं। इस स्पीकर का मेन काम क्या होगा, टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करना कैसे, ताकि जब भी कोई क्वेश्चनिंग करे या जब भी कोई मतलब एक दूसरे को आंसर दे तो वो सारे मिलकर एक साथ ही ना बोले, बल्कि वो परमिशन ले। परमिशन का मतलब होता है वो सबसे पहले स्पीकर से परमिशन लेते हैं, स्पीकर उनको अलाउ करते हैं और उसके बाद वो आंसरिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाउस में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, या स्पीकर को पहले वो बताते हैं, या स्पीकर पहले अनाउंस करता है कि हाँ जी कब क्वेश्चन आर होगा या कब सेशन बुलाया जाएगा, कब मीटिंग्स होंगी, तो ये सारा जो है वो स्पीकर का कंट्रोल है। क्लियर, तो नंबर टू में आपने बताना है दैट एमपीज ऑफ लोकसभा दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। एक और डेप्टी स्पीकर होता है, सपोज अगर स्पीकर की हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो ऑफिस में अगर वो लीव पे हैं तो वो डेप्टी स्पीकर उनकी पोस्ट को संभालते हैं, डेप्टी स्पीकर बोलते हैं। क्लियर, अब दूसरी तरफ राज्यसभा, राज्यसभा के कौन होते हैं, राज्यसभा के जो हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा, ऑटोमेटिकली राज्यसभा के जो होते हैं चेयरमैन, उनको वो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जो भी हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली ही विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। तो मैं तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही हूँ आपसे, नंबर वन, हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा, दैट इज स्पीकर। ठीक है, हु कैन इलेक्ट स्पीकर, कौन इलेक्ट कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो राज्यसभा के चेयरमैन आपने ये नहीं बोलना स्पीकर, आप बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। या फिर मैं आपसे ये पूछूं, हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मीटिंग को कौन प्रिजाइड ओवर करते हैं, ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन है। तो अभी ये सारे इलेक्टोरल फंक्शंस में आपने बताना, नंबर वन दैट एमपीज कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नंबर टू, मेंबर्स ऑफ लोकसभा दे इलेक्ट देयर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। नंबर थ्री, आपने ये बताना है स्पीकर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा। ये होगी इनकी इलेक्टोरल पावर्स। क्लियर, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फंक्शन,
अरियब नंबर वन, हमेशा याद रखो पार्लियामेंट की फंक्शंस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग लिखना है, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑन मिनिस्टर, इलेक्टोरल रिगार्डिंग इलेक्शंस, किस किस को इलेक्ट कर सकते हैं एक एक लाइन में आपने बताना है। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके चलो, अब मैं वी हैव वन मिनट सो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। क्लियर? तो what is the term of Lok Sabha? For how many years we can elect the MPs? कितने साल के लिए हम MPs को elect कर सकते हैं? अच्छा चलो latest ही question पूछते हैं। When the elections for Punjab Vidhan Sabha will be conducted? ये कल ही news आई है, कल ही election commission ने बताया। Raise your hand जो politically active हैं बच्चे। प्रतीक्षा, very good। हाँ जी, दीप कीर्ति। Yes, when the third March को पंजाब में elections होंगे और 10th March को result आएगा। अरे नहीं, no। रियांशिका। 14 February को होने पंजाब विधानसभा के elections। तो election से related अब news politically active है ना, हर रोज newspaper पढ़ो, main news पढ़ो at least। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टोटल सीट्स कितनी है पंजाब में, कितनी सीट्स के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, हाउ मेनी सीट्स फॉर पंजाब विधान, हम सिर्फ यहाँ पे पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब विधानसभा कितनी सीट्स हैं टोटल, आपको पता कितनी सीट्स है पंजाब, कितने एमएलए चुनने हैं, एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने एमएलए चुने जाएंगे, 117। क्लियर? 21 जनवरी तक आपको सभी जितने भी लीडर्स हैं उनके नेम पता लग जाएंगे 21 जनवरी तक। 31 जनवरी तक नाम लेने की, वापस नाम लेने की लास्ट जो डेट होती है नॉमिनेशन की 31 जनवरी। क्लियर? और रिजल्ट होंगे 10th मार्च। ये जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि हमारा जो चैप्टर इलेक्शंस का उसमें हमने स्टेप्स किए थे। अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, मैंने आपको बताया था ना अनाउंसमेंट के, अनाउंसमेंट हो जाती है, अनाउंसमेंट के साथ ही क्या लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट साथ ही लग गया। क्लियर? क्लियर बेटा? एनी डाउट? ओके, टुमारो आई विल डिस्कस अनदर फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। आई एम गोइंग टू एंड। थैंक यू।